दोस्तों आपने बहुत सारे वीआईपी लोगों को देखा होगा, जैसे कि हमारे देश के नेता। उनकी देखरेख के लिए हमेशा पुलिस तैनात रहती है, लेकिन क्या आपने ऐसा पेड़ देखा है जिसकी देखरेख के लिए हमेशा पुलिस तैनात रहती है? और क्या आप जानते हैं कि आखिर ये पेड़ कैसे वीआईपी कैटेगरी में पहुँचे? आज की इस वीडियो में मैं ऐसे दो पेड़ों के बारे में बताऊँगा जिसकी सुरक्षा के लिए पुलिस हमेशा लगी रहती है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर वन, आज तक आपने सिर्फ इंसानों और जानवरों को ही कैद होते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सैकड़ों सालों से जंजीरों में जकड़ कर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा पेड़ है जो कि एक दो नहीं बल्कि पूरे 118 सालों से गिरफ्तार है। यह पेड़ पाकिस्तान के लांडी कोटल आर्मी में लगा हुआ है। इसकी गिरफ्तारी के पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि भला पेड़ को कोई गिरफ्तार क्यों करेगा? ज़्यादा दिक्कत होगी तो पेड़ काट देंगे। लेकिन एक अंग्रेज जेलर की जिद के कारण इस पेड़ को गिरफ्तार किया गया और वो आज तक बड़ी बड़ी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। दरअसल ये किस्सा 1898 का है। ये बात उस समय की है जब पाकिस्तान भी हमारे मुल्क का हिस्सा था और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले ये देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। साल 1898 में एक ब्रिटिश अफसर टहल रहे थे, नशे में धुत होकर वे पार्क में घूम रहे थे। जब वो ऑफिसर वहाँ स्थित एक बरगद के पेड़ के पास से गुजरे तो उन्हें लगा कि वे बरगद का पेड़ उनकी ओर बढ़ रहा है। इतने विशाल पेड़ को अपनी ओर आता देख वो ऑफिसर बुरी तरह घबरा गया और उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि पेड़ को गिरफ्तार कर लिया जाए। सैनिकों ने अपने अफसर की बात मानते हुए पेड़ को जंजीरों से बांध दिया और तब से लेकर आज तक यह पेड़ गिरफ्तार है। समय अपनी रफ्तार से गुजरता गया और एक मुल्क दो हिस्सों में बंटकर आज़ाद हो गया, लेकिन वहाँ के लोगों ने इन जंजीरों को पेड़ से नहीं निकाला। इसके साथ ही उन्होंने पेड़ पर एक तख्ती भी लटका दी और तख्ती पर लिखा है, आई एम अंडर अरेस्ट। आज तक जंजीरें इसलिए नहीं हटाई गई ताकि अंग्रेजी शासन की क्रूरता को दर्शाया जा सके। और अब यह एक पर्यटन स्थल है। इसके साथ ही पूरा किस्सा भी लिखा हुआ है। बहरहाल अंग्रेज चले गए और भारत पाकिस्तान अलग हो गए, लेकिन ये पेड़ आज भी अंग्रेजी हुकूमत के काले कानून की याद दिलाता है। नंबर दो पर है एक ऐसा पेड़ जिसे हमेशा पुलिस की निगरानी में रखा जाता है। ये कोई आम पेड़ नहीं है बल्कि इसके पीछे भी एक बहुत ही खास वजह छिपी हुई है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पेड़ मध्य प्रदेश में सलामतपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है। और ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट हर साल करीब 15 लाख रुपए इस पेड़ की देखभाल में लगाती है। सिर्फ यही नहीं, एक पानी का टैंकर हमेशा इस पेड़ के लिए लाया जाता है। और शायद ये बात आपको हैरान कर दे कि ये पेड़ के आसपास 4 पुलिस वाले 2400 घंटे तैनात रहते हैं। और अगर आप इस पेड़ को देखने जाएंगे तो इस पेड़ को 15 फीट ऊंची लोहे की जालियों की दीवार में रखा गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस पेड़ में क्या खास बात है जो इसे इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि ये पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है बल्कि ये गौतम बुद्ध की निशानी है। इस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस पेड़ को बौद्धिक वृक्ष कहा जाता है। ये थे आज के दो ऐसे खास पेड़ जिसकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा पुलिस तैनात रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे भी ऐसा ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।